सरकार ने बाल विकास परियोजना चलाई है ताकि गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं, जिसके तहत गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं बच्चों और किशोरी बालिकाओं को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के बायताल गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला है जिसमें पोषाहार वितरण नहीं हो रहा है, जिस पर मजीदुन्निसा सहित गांव के 20 औरतों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या आपका? हमें समस्या ये है कि कौन चीज मिलत नहीं, आंगनबाड़ी के तरफ से कौन चीज नहीं मिलत। तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले उले। और कोई घर पे भी आते हैं बुलाने के लिए? कोई नहीं आवत, ना हमें मिला था ना आओ, हमें पेट से उन्हें सब कुछ मिला था। कितने महिलाएं हैं, गर्भवती हैं? बहुत हुई है, 7-10-20 तो हुआ भाई। कर पोषाहार किस तरह मिलता है गर्भवती से लेकर आज धात्री तक, कैसे मिला? बच्चे गए तो कहीं एक आध मुठा दे दिया गया भाई जाना जी, और नहीं तो नहीं। आपको क्या दिया गया? मैं आपसे, हमको कुछ नहीं दिया, वही बच्चे जाते हैं तो एक आध मुठा सत्वा दे दिया जाता है। और कितने दिन पर बच्चों को दिया जाता है? बच्चों को हम तो जानते हैं कि 3-3 महीने पैसे आता है। हाँ तो बताइए, गर्भवती से लेकर आज तक मतलब कितने कितने दिन पर आपको सत्वा दिया? तो 3 बार दिया होगा जब से गर्भवती हुआ। और जब से ये बच्चा पैदा हुआ तब से कितने बार दिया गया? 2 बार। 2 बार। कितने दिन का बच्चा है? 4 महीने का। इसका मतलब 2 महीने पे एक बार दिया गया। मैं और मेरा समुदाय चाहता है नियमित रूप से पोषाहार वितरण हो। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है, सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के CDPO का मोबाइल नंबर है 94-51-95-88-46 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं परमजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के।